मूवी की शुरुआत में हम एक कपल पॉला और सिमोन को देखते हैं, जो कि अंधेरी रात में रोड पर अपनी कार से जा रहे हैं। पुलिस कार्स को रोक रोक कर चेकिंग कर रही होती है। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रोड पर एक छोटी बच्ची खड़ी दिखाई देती है। वो कार से नीचे उतरकर उसे आवाज़ लगाते हैं, पर वो बच्ची दूसरी दिशा में भागने लगती है। तभी उस तरफ से एक तेज़ बाइक आती है और उससे टकराकर बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बच्ची बेहोश हो जाती है और वो कपल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वो बच्ची कौन है, कहां से आई है, किसी को नहीं पता। पुलिस मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करती है, पर उससे भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। वो कपल अपने घर लौट आता है। हम देखते हैं कि पॉला बाथरूम में छुपकर अपनी बॉडी में कुछ इंजेक्ट कर रही है। अब क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स का कुछ हता पता नहीं है, तो पॉला और सिमोन उस बच्चे के पास रोज हॉस्पिटल जाते हैं उसे देखने के लिए। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि वो बच्ची बाइक से टकराकर बेहोश नहीं हुई थी, वो पहले से ही काफ़ी बीमार है और उसकी किडनीज भी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही हैं। डॉक्टर उन्हें ये भी बताती है कि शायद उसका नाम क्लैरा है, क्योंकि उनकी एक नर्स क्लैरा का नाम सुनकर उसने रिएक्ट किया था। अब जब वो कपल उस बच्चे को देखता है तो वो बुरी तरह से पैनिक कर रही होती है। सब उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। अब पॉला उसे काम करने की कोशिश करती है तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। धीरे धीरे उस बच्ची की हालत में सुधार होने लगता है, पर अभी भी उसकी मेंटल हेल्थ खराब है और वो बात बात पर पैनिक हो जाती है। वो एक चौक का बॉक्स बनाकर उसी में रहती है। अगर कोई उसे उस बॉक्स से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो वो अग्रेसिव हो जाती है, चिल्लाने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है और बहुत अजीब सा बिहेव करने लगती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। डॉक्टर पॉला और सिमोन को बताती है कि वो चौक लाइन एक तरह से उसका सेफ स्पेस है। उससे बाहर आते ही उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। अब तक पॉला को भी उस बच्ची से अटैचमेंट हो गई है और एक वही थी जो उसे पैनिक अटैक के टाइम थोड़ा कंट्रोल कर पाई थी। डॉक्टर पॉला और सिमोन से कहती है कि अगर बच्ची हॉस्पिटल में रहेगी तो जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी, पर अगर उसे एक घरेलू माहौल मिलेगा तो उसकी हालत बेहतर हो सकती है। और हो सकता है कि आपको ये भी बता दे कि वो कौन है और कहाँ से आई है और ऐसा क्यों करती है। पॉला और सिमोन राजी हो जाते हैं और उस बच्ची को घर ले आते हैं। घर में भी क्लैरा चौक का बॉक्स बनाकर उसके अंदर ही रहती है। कपिल को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करती है। एक दिन पॉला चौक लाइन को मिटाकर और ज्यादा स्पेस में लाइन बना देती है। क्लैरा अब उस स्पेस में घूमने लगती है। पॉला को लगता है कि चलो इतनी प्रोग्रेस तो हुई। अब पॉला स्पेस को बढ़ाते बढ़ाते पूरे घर में लाइन बना देती है, तो क्लैरा पूरे घर में आराम से मूव करने लगती है। पॉला समझ जाती है कि जहाँ जहाँ चौक लाइन रहेगी क्लैरा उतने स्पेस में बिना पैनिक के रह सकती है। कुछ दिन बाद डॉक्टर क्लैरा को देखने आती है और गलती से वो क्लैरा को चौक लाइन से बाहर निकाल लेते हैं। अब क्लैरा अग्रेसिव हो जाती है और अपने मुंह से अजीब अजीब वर्ड्स निकालने लगती है। सब एक पल के लिए सरप्राइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब तक सबको ये लग रहा था कि क्लैरा गूंगी है, लेकिन वो तो बोल सकती है। पॉला जल्दी से चौक लाइन बना देती है और वो शांत हो जाती है। वक्त और बीतता है और पॉला और क्लैरा के बीच प्यार बढ़ने लगता है। एक दिन पॉला की पड़ोसन जो कि प्रेग्नेंट है उसके घर आती है अपनी बेटी को साथ लेकर, जो कि क्लैरा की ही उम्र की है। उन्हें लगता है कि उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना क्लैरा के लिए अच्छा रहेगा। इस बीच पॉला अपनी पड़ोसन को ब्रेड और जैम खाने के लिए देती है। अचानक उस लेडी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि उस जैम में एक बड़ा सा कांच का टुकड़ा था। पॉला शॉक में आ जाती है और उस लेडी को हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। सिमोन क्लैरा पर शक करता है और कहता है कि उसी ने जैम के डिब्बे में कांच का टुकड़ा डाला होगा, पर पॉला ये मानने को तैयार नहीं है और कहती है कि क्लैरा तो वैसे भी वहाँ खींची चौक लाइन को पार नहीं कर सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर फिर से उनसे मिलने आती है। उसने वो सब ट्रांसलेट कर लिया है जो क्लैरा उस दिन बोल रही थी और वो बताती है कि क्लैरा जर्मन बोल रही थी। अब वो जर्मन पुलिस को कॉन्टैक्ट करते हैं कि क्या वहाँ उस जैसी किसी बच्ची का चाइल्ड मिसिंग केस है, पर उन्हें वहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिलती। अब धीरे धीरे पॉला के सब्र का बांध भी टूटने लगता है। वो क्लैरा से बात करने की कोशिश करती है, वो उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है और जब वो उससे कहती है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं चौक लाइन मिटा दूंगी, तो क्लैरा फिर से अग्रेसिव हो जाती है, चिल्लाने लगती है और जब पॉला उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है तो वो उसे किक मार देती है और दूसरी ओर मुँह छुपा कर बैठ जाती है। जब सिमोन को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे वापस हॉस्पिटल भेजने की बात करता है, पर पॉला कहती है कि इसमें क्लैरा की कोई गलती नहीं थी, उसे ही उसको बात करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था। अगले दिन पॉला के गले में भी कांच का टुकड़ा फंस जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है।
क्लैरा उसे देखती है, वो उसे जैसे पकड़ना चाहती है, पर पॉला लाइन ड्रॉ कर देती है जिसे क्लैरा पार नहीं कर पाती। पॉला बाथरूम में जाती है और ट्वीज़र की मदद से कांच के टुकड़े को निकाल लेती है। जब वो बाहर आती है तो क्लैरा का वहाँ नामोनिशान नहीं होता। पॉला को लगता है कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, क्योंकि क्लैरा कभी भी खुद से चौक लाइन से बाहर नहीं जाती थी। पुलिस खोजबीन करने की कोशिश करती है तो उन्हें दलदल वाली ओर उसकी जैकेट मिलती है, पर उसके अलावा और कुछ पता नहीं चलता। पॉला को उसकी बहुत फिक्र है और उसे लग रहा है कि क्लैरा किसी मुसीबत में है, पर सिमोन उससे कहता है कि अगर वो मिल भी जाती है तो मैं उसे यहाँ नहीं लाऊंगा, क्योंकि उसने तुम्हें हार्म करने की कोशिश की थी। पर पॉला को क्लैरा से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। दरअसल पॉला और सिमोन 6 सालों से बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो ट्रीटमेंट भी ले रहे थे, पर सिमोन ने ट्रीटमेंट बंद करवा दिया था। लेकिन पॉला छुप छुप कर अभी भी ट्रीटमेंट ले रही है। उसी ट्रीटमेंट के इंजेक्शंस वो मूवी की शुरुआत में ले रही थी। सिमोन को भी ये बात पता थी, पर वो उससे कुछ कहता नहीं है। पर अब उन दोनों की बहस के बाद उनके बीच और दूरी आ जाती है। फिर घर पर एक कॉल आती है जिसे पॉला पिक करती है। उधर से क्लैरा की आवाज़ आती है जो उसे मॉम कहकर बुला रही है। पॉला तुरंत पुलिस को कॉन्टैक्ट करती है। जब पुलिस उस नंबर को चेक करती है तो पता चलता है कि ये कॉल पॉला के ही फ़ोन से आई थी। अब सब उसे थोड़ा मेंटली सिक समझने लगते हैं, पर वो श्योर है कि वो ठीक है। अब पॉला खुद से केस को चेक करने की कोशिश करती है। वो वहाँ से मिसिंग बच्चों की फाइल्स ले लेती है जो पिछले कुछ समय में जर्मनी से गायब हुए थे। वो सब केसेस चेक करते वक्त उसे एक लड़की की प्रोफाइल मिलती है जो कि टीनेजर थी और उसकी बॉडी पर मारने पीटने के काफ़ी निशान थे। उस फोटो में उसे एक पेपर टॉय दिखता है। पॉला को याद आता है कि बिल्कुल ऐसा ही पेपर टॉय क्लैरा भी बनाती थी। वो लड़की जर्मन थी और उसका नाम इंग्रिड था। अब पॉला उस मरी हुई लड़की की ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाने वाली डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसकी दोनों किडनीज डैमेज हो चुकी थी और उसे बहुत ही बेरहमी से टॉर्चर किया गया था और उसकी एक आँख भी वीक थी। पॉला अब इंग्रिड के बारे में और पता करती है और उसके पेरेंट्स के इंटरव्यूज देखती है। उसे पता चलता है कि 10 साल पहले इंग्रिड बीच से अचानक गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। उसे ये भी पता चलता है कि इंग्रिड भी क्लैरा की तरह पेपर टॉय बनाया करती थी और उन्हें गार्डियन एंजल की तरह देखती थी। पॉला घर आकर क्लैरा की बनाई ड्राइंग को देखती है और अब जो उसे दिखता है वो अंदर तक कपा देने वाला था। चॉक बॉक्स के अंदर से उसे अपने पड़ोसी एडवर्डो का घर दिखता है और अब उसे समझ में आता है कि ये ड्राइंग असल में वही घर था जो क्लैरा ने बनाया था। एडवर्डो उनका पड़ोसी था और अक्सर उनके घर डिनर पे आया करता था। पॉला समझ जाती है कि हो ना हो क्लैरा की गुमशुदगी के पीछे उसी का हाथ है। वो पुलिस को फोन मिलाती है और यहाँ से मूवी की कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। एडवर्डो उसी रात क्लैरा को लेकर कहीं जा रहा था। जब उसने देखा कि सामने पुलिस चेकिंग चल रही है तो उसने क्लैरा को रोड पर उतार दिया और कहा कि ये जो सफ़ेद लाइन दिख रही है बस इसी के साथ चलती जाओ। जब क्लैरा ऐसा कर रही थी उसी दौरान पॉला और सिमोन को वो मिली थी। और जब एडवर्डो को ये पता चलता है कि क्लैरा को पॉला और सिमोन घर ले आए हैं तो चुपके से उसी ने उनके घर में घुसकर जैम के डिब्बे में वो कांच का टुकड़ा डाल दिया था जिसको खाकर पॉला के पड़ोसन का मुँह जख्मी हो गया था। पर असल में वो क्लैरा को मारना चाहता था, पर क्लैरा ने वो जैम कभी खाया ही नहीं। फिर उसी ने पॉला के फ़ोन से चुपके से उसे कॉल किया था क्लैरा बनकर, ताकि सब लोग पॉला को पागल समझें। लेकिन जब उसका कोई प्लान काम नहीं आया तो उसने क्लैरा को किडनैप कर लिया। अब प्रेजेंट में पॉला एडवर्डो के घर पहुंचती है। एडवर्डो समझ गया होता है कि पॉला उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है। वो पॉला को हिट करता है और उसे बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देता है। क्लैरा भी यहीं होती है और उसके इर्द गिर्द चौक लाइंस बनी हुई हैं। यहाँ खुलासा होता है कि एडवर्डो ने 10 साल पहले उसी इंग्रिड नाम की लड़की को किडनैप किया था और उसे फोर्सफुली प्रेग्नेंट किया था, और क्लैरा उसी की बेटी है जिसके पैदा होने के बाद उसने उसे मार डाला था। एडवर्डो ने क्लैरा को उसी बेसमेंट में चौक लाइंस में कैद करके पाला था और उसके दिमाग में फीड कर दिया था कि उसे चौक लाइन से बाहर नहीं जाना है। अगर वो ऐसा करती थी तो वो उसे मारता पीटता था, जिसकी वजह से उसके दिल में खौफ भर गया था। इस बीच पुलिस वहाँ आ जाती है क्योंकि पॉला ने उन्हें कॉल किया था, पर एडवर्डो उन्हें झूठी मूठी कहानी सुनाकर वहाँ से वापस भेज देता है। वो फिर से नीचे बेसमेंट में जाता है और पॉला से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला। वो उसे बताती है कि केस फाइल्स के थ्रू। एडवर्डो उस केस फाइल को जलाने के लिए चला जाता है। अब पॉला क्लैरा की ओर चौक फेंक कर कहती है कि आज तुम्हें खुद से लाइन ड्रॉ करके बाहर जाना होगा
और तुम्हें और मुझे हम दोनों को बचाना होगा। क्लैरा लाइंस बनाना शुरू करती है। इतने में एडवर्डो वापस आ जाता है। तब तक क्लैरा बेसमेंट के बाहर जाकर बेसमेंट को बाहर से बंद करके घर की मेन डोर पर आ जाती है, पर क्योंकि बाहर कच्ची मिट्टी होती है तो क्लैरा लाइन नहीं बना सकती और बाहर नहीं निकल सकती। वो वहीं से खड़े खड़े सिमोन को खिड़की में देखती है और उसे आवाज़ लगाती है, पर उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँच रही। अब क्लैरा हिम्मत करती है और किसी तरह घर की दहलीज पार करती है। वो पहली बार चौक लाइन के बाहर आई है। इतने में एडवर्डो की वाइफ वहाँ आ जाती है। वो क्लैरा को हक करके उठाती है और घर में वापस ले जाती है। एडवर्डो, जो कि अपनी वाइफ को भी टॉर्चर करता है, उससे कहती है कि मैं तुम्हारा ये राज किसी को नहीं बताऊंगी, पर मुझे मेरी आज़ादी चाहिए और मुझे जो करना है मेरे हिसाब से करने दो। एडवर्डो मान जाता है, पर तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि जब एडवर्डो की वाइफ क्लैरा को घर में वापस लेकर आई थी तब क्लैरा के हाथों में बहुत सारा चौक लगा हुआ था, जिसकी वजह से दरवाजे पर उसके हाथों के निशान आ गए थे। उस निशान की वजह से वो लोग पकड़े गए। इस तरह क्लैरा और पॉला दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लैरा अपने नाना नानी के पास जर्मनी में रहने लगी है और पॉला भी बेबी एक्सपेक्ट कर रही है। वो दोनों अक्सर वीडियो कॉल के थ्रू बातें करती हैं और खुश हैं। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।